हम मौजूद है सुपर अस्पताल में। यहाँ पर मेरे आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाऊंगा एक टैंकर। ये इस टैंकर में -183 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है, उसके बाद इस को यहाँ पर स्टॉक किया जाता है। ये अस्पताल का स्टॉक सिलेंडर है। यहाँ पर हमारे साथ ये सिलेंडर लाने वाले लोग भी मौजूद हैं। ये बताइए कहाँ पर जा रहे हैं, कितने घंटे आपको लगे? कम से कम बोकारो से आ रहे हैं सर, 20-22 घंटा लगा हमको, डायरेक्ट चलते आ रहे हैं। कहीं रुके थे रास्ते में? दो एक जगह रुके थे 3 घंटा रात में, 12 से 5 चलाने का अलाव नहीं है। कितने किलोमीटर है? 1390। लगभग 1390 किलोमीटर का सफ़र आपने 20 से 22 घंटे में तय किया। केवल 3 घंटे जब अलाउ नहीं है उस दौरान ये रुके हुए थे वहाँ पर, लगातार स्कॉर्ट करके इनको आगे पीछे सुरक्षा गाड़ियाँ भी साथ इनके चल रही थी, जिससे आज की ऑक्सीजन सबसे ज़रूरी चीज़ रीवा के सुपर अस्पताल और संजय गांधी अस्पताल में पहुँच सके, जहाँ पर कोविड केयर के मरीजों का इलाज किया जा सके। माना जा सकता है एक ट्रक लिक्विड कितने टन इसमें आती है? 16 टन लिक्विड कितने सिलेंडरों के लगभग भर जाती है? ये सिलेंडर का अंदाज़ 16 टन लिक्विड के साथ 100 सिलेंडर पर डे का यहाँ पर प्रोडक्शन कहा जा सकता है। रीवा में आगे आने वाले समय में ऑक्सीजन की किसी भी तरीके की कोई भी कमी नहीं होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।